हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ए, स्टेट गॉस लॉ ऑफ फॉर मैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन बी, राइट द फोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। इस क्वेश्चन में हमें गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म डिफाइन करना है, एंड सेकेंड क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो अगर हम लोग ए वाला पहले सॉल्व करें तो हमें क्या दिया है, हमें गॉस लॉ स्टेट करना है फॉर अ मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ स्टेट क्या, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट फ्लक्स फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। और अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड डी ए जो है ये एरिया वेक्टर होता है जो कि ऑलवेज पॉइंट आउटसाइड द आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई एक सरफेस क्लोज सरफेस है तो उससे जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर आएंगे उतने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर जाएंगे, इसलिए हम लोग जो टोटल फ्लक्स आएगा थ्रू द क्लोज सरफेस ये जीरो आएगा। तो इसको हम लोग गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहते हैं। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो जीरो आएगा। देन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बी देखते हैं। तो हमारे चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बतानी है फॉर बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो सबसे पहले हमें पता है कि फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा फील्ड लाइन्स फॉर्म्स क्लोज लूप्स, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड लाइन जो होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। तो फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, ये सेकेंड हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी होता है टेंजेंट टू अ लाइन गिवन, यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें किसी भी डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का तो टेंजेंट टू अ लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्लोजनेस रिप्रेजेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ डिग्री ऑफ क्लोजनेस रिप्रेजेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्राउडेड है तो उस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर सेपरेटेड है वहाँ पे जो फील्ड होगा वो कंपेरेटिवली कम होगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।